तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि अवैध खनन प्रदेश में कैसे धड़ल्ले से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस और माइनिंग की टीम ने मौके पर ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन करते पकड़ा। हालांकि टीम के आने की भनक लगते ही करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से गायब हो गई। मामला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जिला मुख्यालय का, जहां पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से खनन और परिवहन करते तो धरा, लेकिन जब माइनिंग विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर के खिलाफ लिखित कार्रवाई कर रही थी, तभी ड्राइवर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया कि खोजनपुर के करबला रेत खदान पर एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस बल टीम के साथ मौके पर पहुंची। मामला यह था कि नर्मदा नदी में करबला पर खोजनपुर खदान में एनजीटी के प्रतिबंध के दौरान अवैध रूप से रेत के अवैध उत्खनन परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई के हेतु गए थे, कार्रवाई कर लिखा पढ़ी कर ही रहे थे। इसी बीच में अनवर बेग नामक युवक जो है ट्रैक्टर ट्राली लेके भाग गया। उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 अवैध उत्खनन एवं शासकीय कार्य में बाधा वगैरह अन्य उसके लिए आवेदन दिया गया है और अवैध रेत उत्खनन का प्रकरण। मारपीट की जानकारी तो मुझे अभी नहीं मिली है। देखिए, पर्याप्त पुलिस बल था, रेत में लिखा पढ़ी चल रही थी, इसी बीच में थोड़ी दूरी होने के कारण वो लेके भाग गया। माइनिंग टीम द्वारा करबला रेत घाट पे कार्रवाई की जा रही थी, उसमें जो अनवर जिसकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको माइनिंग टीम ने संयुक्त रूप से पकड़ा था पुलिस के साथ। तो चूंकि मौके पर कार्रवाई की जा रही थी, पंचनामा कार्य, उसी दौरान जो है अनवर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहाँ से भाग गया। तो उस पर जो है धारा 353 और 379 और मध्य प्रदेश खनिज गुण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सर, कितने आरोपी हैं, कुल किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली जो चला रहा था वो अनवर बेग, उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं जिले की रेत ठेका कंपनी आरकेटीसी के एडमिन रिंकू बोहरा ने बताया कि आरकेटीसी के रेत खदान से अनवर नामक युवक अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहा था, जिसकी सूचना माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग को दी गई, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी एनजीटी के समय में हम लोग एक वैध खदान है जो कि खोजनपुर के नाम से है, वहाँ पर कई दिनों से पता चल रहा था कि एक अनवर नाम के आदमी का ट्रैक्टर जो है अवैध तरीके से बालू वहाँ से लोड करके ले जाता था। आज माइनिंग की और पुलिस की टीम ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा और FIR किया उसके ऊपर। हाँ, हमारे लड़कों के साथ वो तो 3-4 बार हो चुका है इस तरीके का। पहले भी इन लोगों ने बरंडुआ में और खोजनपुर 2 में, खोजनपुर 1 में इस तरीके से मारपीट की है हम लोगों के लड़कों के साथ। ट्रैक्टर लेके भागे थे वो तो हमेशा इस तरीके से, एक दो बार पहले भी पकड़ा गया, लेकिन ये लोग गुंडागर्दी करके ट्रैक्टर लेके भागते रहे। आज जो है पुलिस की टीम ने और माइनिंग की टीम ने पूर्ण कार्रवाई की है। आने वाले समय में भी इस तरीके की चोरी की जो भी घटनाएं हो रही है। जहाँ सीएम शिवराज ने माफियाओं को जमीन में गाड़ देने की चेतावनी दी, वहीं अवैध खनन करने वालों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर न जाने कितनी रेत चोरी कर रहे हैं। इसमें अधिकारियों के मिलीभगत की बू कहीं ना कहीं आ रही है, जिसकी जांच होना जरूरी है। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।